नीट 2024 के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपोर्टोस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लक्ष्य कौशिक, आई एम ए सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि नीट 2024 के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, नीट होने वाला है 3 hours और 20 minutes का। पहले 3 hours का होता था, लेकिन अब इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के 3 hours और 20 minutes कर दी गई है। सेकंड इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ लोग फॉरेन जाके MBBS करने की सोचते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से भी मेडिकल ग्रेजुएशन परस्यू करनी है तो आपको नीट UG एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे इंडिया के लिए आपको मेडिकल ग्रेजुएशन करनी हो, चाहे बाहर से आपको मेडिकल ग्रेजुएशन करनी। अगला पॉइंट कि पहले क्या होता था कि अगर किसी के मार्क्स होते थे वो टाई हो जाते थे तो बायोलॉजी के मार्क्स कंसीडर किए जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, अगर किसी के मार्क्स टाई हुए तो सबसे पहले फिजिक्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। अगला पॉइंट है कि आपको जिस साल में आप नीट दोगे उस साल के 31 जनवरी या उससे पहले आपको 17 ईयर्स का हो जाना चाहिए। और साथ में एक और एलिजिबिलिटी है कि जनरल EWS के लिए जो PCB के एग्रीगेट स्कोर है वो लगभग 50% से मतलब होने चाहिए मिनिमम, एंड साथ ही साथ में जो बाकी कैटेगरीज है उनके लिए ये है 40% के करीब। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यूज आने वाला है वो है कि कॉमन काउंसलिंग होगी। पहले क्या होता था कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है और कुछ दिल्ली की काउंसलिंग है वो MCC कराती थी, और बाकी जो है स्टेट की काउंसलिंग वो खुद स्टेट की अथॉरिटीज कराती थी, लेकिन अब कॉमन काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग ये सब एक ही गवर्निंग बॉडी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। सो दोस्तों, ये थे कुछ चेंजेस नीट 2024 के लिए। अगर आपकी वीडियो यूजफुल लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।